देश भर में 52 शक्तिपीठ हैं और इन्हीं में से एक है नैनीताल की नैना देवी। मां नैना के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूरी हुई है। यही कारण है कि यहां न सिर्फ स्थानीय लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है बल्कि साल भर देश विदेश के सैलानी भी यहां मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों नैनीताल में शारदीय नवरात्रों की धूम है। सुबह से ही स्थानीय लोग मां नैना की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि नैनीताल की नैना देवी देश के 52 शक्तिपीठों में शुमार हैं। कहा जाता है कि राजा दक्ष ने जब अपने घर में यज्ञ करवाया तो अपनी बेटी सती और दामाद शिव को इसका न्योता नहीं दिया। गुस्से में आकर मां सती अपने पिता के घर गई, पिता से कहा कि हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। जब शिव सती के जले शरीर को आकाश मार्ग से गुजर रहे थे नैनीताल में मां सती की बाई आग गिरी, तभी से ही मां नैना देवी की पूजा यहां की जाती है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। मैं जो नौ है प्रथम शैलपुत्र द्वितीय ब्रह्मचारण तृतीय चंद्र घंटे थी जो नौ प्रकार के दुर्गाओं के नाम है तो उसमें विशेष प्रकार के नैना देवी के मंदिर में हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर विशेष अगर देखा तो नेत्रों की ज्योति के लिए विशेष माना जाता है तो इसलिए यहाँ शक्ति के रूप में और अपने मनोकामनाओं को लेकर के और अपने जीवन रूपी जो ज्योति है उसके लिए विशेष यहाँ पर आकर के लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही विशेषता एक नैना देवी की नैनीताल में विशेष मानी जाती है। नैना देवी के दर्शन करके कथाओं में पढ़ा था कि माता सती ने जब आत्मदाह किया था तो शिव जी उन्हें लेकर के अपने कंधे पर इधर उधर घूम रहे होते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं, तो विष्णु जी ने अपने चक्र से माता जी के खंड खंड किए थे तो इस भाग में उनके नयन गिरे थे, तो इसीलिए यहाँ माता नैना देवी की पूजा की जाती है।